हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है स्टडी सर। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026। क्या है, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, इंडिया। इस क्वेश्चन देख लीजिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की कि भारत 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पिछला कार्यक्रम 2009 में हैदराबाद भारत द्वारा आयोजित किया गया था। भारत को 2023 में सुद्रीमन कप का आयोजन करना था, लेकिन खेल के वैश्विक शासी निकाय BWF ने चीन को विश्व मिश्रित टीम चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई रहर डीए का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 28%। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई रहर डीए को 17% से बढ़ाकर 28% करने को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते डीए का भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए महंगाई राहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC विल बी बिल्ट अपॉन द बैंक ऑफ द गंगास इन विच सिटी। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC किस शहर में गंगा के तट पर बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनाया जाएगा। इधर गंगा नदी में 2018 से 2019 के में किए गए सर्वेक्षण के दौरान करीब 1455 डॉल्फिन देखी गई है। गंगा की डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती है। इसलिए हमने क्या बनाया है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की, कहाँ पर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री इंडिया हैज लॉन्च्ड भीम UPI QR बेस्ड पेमेंट्स। भारत ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, भूटान में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भूटान में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू हो गई हैं। अब यहाँ बात हो रही है भूटान की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्फू। उसके राजा कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटानी न्यूगुल ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड अ रिसर्च बेस्ड सेंटर फॉर सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन विच सिटी। हिंदी में आंसर क्वेश्चन क्या है, गृहमंत्री अमित शाह ने किस शहर में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है गांधीनगर। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र हमारे युवाओं को नशीले पदार्थों की लत से मुक्त होने में सहायता करेगा। बात हो रही है यहाँ पे गुजरात की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर। उसके राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। उसके मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जॉर्जिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तिबिसली पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने 17वीं सदी के सेंट कीन केतवेन की निशानियां भी सौंपी। सेंट कीन केतवेन 17वीं शताब्दी की जॉर्जियान रानी थी, जिन्होंने शहादत प्राप्त की। अब हम बात हो रही है जॉर्जिया की, जॉर्जिया कंट्री। उसके बाद थोड़ी, तो उसके बाद कुछ जान लेते हैं। उसकी राजधानी क्या है, तिबिसी। उसकी मुद्रा क्या है, जॉर्जियाई लारी। जॉर्जिया देश की मुद्रा क्या है, जॉर्जिया लारी। वहां के जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति कौन है, सैलोम जुराबिचविलिक। जॉर्जिया महाद्वीप कहाँ आता है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है। और जॉर्जिया की आधारिक भाषा क्या है, जॉर्जियन। जॉर्जिया की आधारिक भाषा क्या है, जॉर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सेलेक्ट फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा दीपक खाबरा। आंसर बी दीपक खाबरा। दीपक खाबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्ट की भूमिका निभाते नजर आएंगे। जुलाई 2018 में कर्माकर एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉल ऑनड्रॉप हु आल्सो नोन एज मिस्टर वंडरफुल हैज बीन पास्ड अवे ही वाज अ फेमस। पॉल ऑनड्रॉप जिन्हें मिस्टर वंडरफुल के नाम से भी जाना जाता है का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध क्या होंगे? बॉक्सर होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहलवान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहलवान। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर पहलवान पॉल ऑनड्रॉप, जो अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल के नाम से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, का निधन हो गया है। वह 1980 के दशक के पेशेवर कुश्ती के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। उन्होंने 2000 में संन्यास लिया और उन्हें 2005 में WWE ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन विल सेट अप द बंग बंधु चेयर एट विच यूनिवर्सिटी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर की स्थापना करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस चेयर की स्थापना के लिए ढाका में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुई समझ में से एक का परिणाम है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन से मिनिमम जैसे आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मान के चलिए इसमें से मिनिमम फाइव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जो अभी लेटेस्ट पेपर होने वाले हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरिटा पोप वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु हैज रिजाइंड रिसेंटली। क्वेश्चन क्या देख लीजिए, हेनरिटा पोप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी निदेशक थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए यूनिसेफ। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के परामर्श से की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिसेफ का सबसे बड़ा वित्त पोषक है और यह काम परंपरागत रूप से एक अमेरिकी के पास गया है। और यहाँ बात की यूनिसेफ की, अभी हमने किसकी बात की? यूनिसेफ की बात की, जिनके कार्यकारी निदेशक ने इस्तीफा दे दिया। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। उनका यूनिसेफ का अध्यक्ष कौन है? तो तोरे हर्ट्रेम। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैन द क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स बाय टेकिंग एक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। हिंदी में क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डाटा संरक्षण सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी मास्टर कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों को झटका लगा है। RBI के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। RBI का यह आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। RBI का आदेश 22 जुलाई से प्रभावित होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है।
आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वसीम जाफर हैज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर टीम ऑफ विच द फॉलोइंग स्टेट फॉर द अपकमिंग डोमेस्टिक क्रिकेट। हिंदी में क्वेश्चन क्या देख लीजिए, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उड़ीसा का सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 21 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जुलाई 2021 को मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाएं 4,041 करोड़ रुपए की हैं और कुल लंबाई 298 किलोमीटर है। मणिपुर में नई उद्घाटन की गई राजमार्ग परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्य को इससे भारत और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में संपर्क प्रदान करेंगी। अब यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया मणिपुर राज्य के बारे में, उसके यहाँ पे जान लेते हैं उसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। कार्यकारी है उसकी, उसके राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के, एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड मातृ कवचम टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल द प्रेगनेंट वुमेन इन द स्टेट। कौन सी राज्य सरकार राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मथुर कवचम नामक एक अभियान शुरू करने जा रही है? तो इसका आंसर होगा आंसर सी, केरल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने घोषणा की है कि केरल सरकार राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मथुर कवचम नामक एक अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 से प्रभावित गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ सकती है और उन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है जो भ्रूण को भी प्रभावित कर सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी लास्ट, अब यहाँ पे केरल की बात हो रही थी तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के राज्यपाल इसमें कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल इसमें कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और उसकी राजधानी क्या है केरल की, तिरुवनंतपुरम। तो मुख्यमंत्री कौन है केरल के, मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। फिर हम कुछ योजना चलिए, पहला क्या है परिवर्तनम योजना, दूसरी है विजया मृतम और सहचारी। तो ये भी शुरू करें मथुर कवचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशपाल शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस। यशपाल शर्मा जिसका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध थे, क्या थे वो? 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। सेवानिवृत्ति के बाद यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI, पंजाब और हरियाणा क्रिकेट साथ विभिन्न भूमिकाओं में शामिल थे। आज के लिए बस इतने क्वेश्चंस, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ घर पर रहिए क्योंकि कोविड-19 की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, तो स्टे होम स्टे सेफ ये नारा बुलंद करिए, इससे आपका भी सुरक्षित होगा और आपको सफलता पाने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद शिवम सर।